फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर के अंदर आई होप सब लोगों को डेटाबेस बनाना आता होगा। ठीक है, मैं एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि उस डेटाबेस के अंदर मैं कुछ चीज़ें रख सकूँ। ठीक है जी, मैं इस डेटाबेस को नाम कर देता हूँ जी USDB। ठीक है, वेरी सिंपल मैटर कि आपने एक डेटाबेस सिंपली क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ जी कि इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ जी स्कैफोल्डिंग। स्टूडेंट्स इस दफा पहले से थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ जी। पहले मैं हमेशा एम्प्टी प्रोजेक्ट लिया करता था, लेकिन इस दफा मैं ये कर रहा हूँ जी MVC 4। ये MVC के नाम से ये जो टेम्पलेट बना हुआ है जी, इस पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेंज ऑथेंटिकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन पे चला जाता हूँ, ओके कर देता हूँ, और अगेन यहाँ से ओके कर देता हूँ जी। मेरे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है विजुअल स्टूडियो। ऐसी सिचुएशन में चाहिए आप चाय शाय साथ रखें जब भी .NET पे काम करें। ठीक है, और जब ये वेटिंग करवाए तो आप चाय शाय पी लिया करें, दरमियान में दो सिप ले लें, उतनी देर में काम हो जाएगा। ठीक है जी, स्टूडेंट्स सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी चीज़ों के। इस पर इस दफ़ा हमने ये किया तो ये bootstrap.css और site.css के नाम से जो फाइल्स हम बाद में ऐड किया करते थे वो ऑलरेडी पहले ही इसमें आ गए, पहला। दूसरा इसमें चेंज क्या है, कंट्रोलर, ऑलरेडी एक कंट्रोलर इसमें ऐड है जी, होम कंट्रोलर डॉट सी एस एस के नाम से। होम कंट्रोलर को ओपन करें तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं जी, ऑलरेडी आपके पास एडिट है, जो तीन या चार पेज आप ऑलरेडी पहले बनाते थे। ठीक है जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो व्यूज में भी होम के अंदर जाके देखें तो अबाउट, कॉन्टेक्ट और इंडेक्स के नाम से व्यू ऑलरेडी क्या है, बना हुआ। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो व्यू बना हुआ है, ये व्यू बना हुआ है जी विद द हेल्प ऑफ लेआउट। अब शेड में जाके देखें layout.html नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। लेआउट्स के वाले से लास्ट टाइम हम लोगों ने जिक्र किया था, याद है जी, लेआउट्स में क्या आता है जी, जी सारी चीजें हेड, यानी हेडर और फुटर के वाले से सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये HTML, एक नई चीज आपके लिए नजर आ रही होगी style.render के नाम से, ये एक है रेजर का मेथड है, रेजर सिंटैक्स है जी। अब इसका फायदा क्या है कि हमें इंडिविजुअली फाइल्स यहाँ पे फेंकनी नहीं पड़ती है, वो लिंक हैरफ के थ्रू नहीं करना पड़ता। अगर आप लिंक हैरफ के थ्रू CSS फाइल्स को ऐड करवाना चाहें नो इशू, आप वो कर लें, लेकिन आप इस तरह से कर दें तो इससे फायदा ये होता है कि मैंने कह दिया कि कंटेंट स्लैश कंटेंट की फोल्डर के अंदर जितनी भी CSS फाइल्स पड़ी है वो सब क्या कर दो जी, ऐड कर दो। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कह दिया कि बंडल्स के अंदर जितनी भी सेक्रेट्स पड़े हुए हैं हम सबको क्या कर दो जी, रेंडर कर दो। ठीक है जी, ये कुछ JS फाइल्स पड़ी हुई हैं बंडल्स के अंदर। ठीक है जी, ये उनको भी क्या कर देगा जी, रेंडर कर देगा। मैं अभी डिस्कस नहीं करता कि ये JS फाइल्स या स्क्रिप्ट फाइल्स मुझे क्यों चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट भी ऐड कर रहा हूँ और CSS फाइल्स भी ऐड कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे ये देखें, बॉडी के अंदर सबसे पहली क्लास आपको नजर आ रही होगी, ये कौन सी है जी, आपकी डिव नेव बार, ये नेविगेशन बार के ऊपर ब्लैक कलर की थी आपको बनाना, मैंने बताया था कि जी आप नेविगेशन बार यूज कर सकते हैं। और ये जो क्लासेज है ये ऑलरेडी क्लास यहाँ पे डिफाइंड हुई है जी, बूटस्ट्रैप के थ्रू ये चीजें बनी हुई है। ठीक है जी,
यहाँ पे ये देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर तीन एक्शन लिंक दिए हुए हैं जी आपके मेन्यू के अंदर, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट के नाम से, ठीक है, नजर आ रहा है। जिसके मतलब है होम इंडेक्स का मैसेज पावर होगा जो कि होम के डाउनलोड में है। इसी तरह डिफरेंट और चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एक और यहाँ पे चीजें देखें, क्लास कंटेनर की क्लास है और बॉडी कंटेंट की क्लास है, जिसके अंदर उसने क्या मेथड कॉल किया हुआ जी, रेंडर बॉडी मींस लेआउट के अंदर जहां पे रेंडर बॉडी का फंक्शन होता है वहां पे क्या आता है जी, बॉडी के कंटेंट आते हैं, ठीक है जी। सो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं जी, मैं कॉपीराइट यहां पे लिख देता हूं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गया जी, फुटर बन गया, ठीक है जी। अब ये जो आपके सामने कुछ पेजेस दिखाई दे रहे हैं, इन पेजेस में भी क्या है जी, वही सारी चीजें हैं। मैं आपको ये पेज दिखा देता हूँ, एक दफा रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन पेजेस पे क्या सारी चीजें हैं। थोड़ा सा पिछले लेक्चर को भी यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर हम आज का वो लेक्चर जिसके बारे में मैंने कहा था उस पर काम करते हैं। सामने ऊपर एक मेन्यू बनी हुई नजर आ रही है होम अबाउट कॉन्टेक्ट की, ठीक है जी, सामने नजर आ रहा है आपको जी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फुटर चेंज किया था उसका, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा लिखा था, तो वो ये है कि जी आप हर पेज पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी, कॉन्टेक्ट पे भी, दूसरी सारी चीजों पे भी। ओके अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक कंप्लीट मतलब एक क्लास है जी बूटस्ट्रैप की, जिसके अंदर ये सारी चीजें रखी हैं। इसके अलावा बूटस्ट्रैप क्लास के अंदर ये तीन कॉलम बने हुए हैं, याद है ना कॉलम कैसे बनाए जाते हैं कि जी मैं पहले एक रो एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर एक रो की रो का डिप लेता हूँ, रो के डिप के अंदर मैं तीन कॉल LG या कॉल MD कुछ ना कुछ जो है ना क्लासेस लिखता हूँ और उनको कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ जी छोटा सा, ये पहले वाला जो था वो खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो रोज है नजर आ रहा है जी, रो की क्लास है, रो की क्लास के अंदर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा हुआ जी, पहली क्लास क्या ली हुई है जी इन्होंने, कॉल MD4 फिर अगेन कॉल MD4 और कॉल MD4, इसका क्या मतलब हुआ, तीन इक्वल कॉलम्स, और आपने लिखा था तीन इक्वल कॉलम्स बने हुए थे। और अगर मैं यहाँ पे ये करूं इसको एड कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं जी टू टू कर दूं, तो क्या होगा जी जब मैं इसी साइड को अगेन रन करता हूं तो मेरे पास जो पहले वाला कॉलम होगा वो ज्यादा आ जाएगा बड़ा और अगले वाले थोड़े छोटे हो जाएंगे। क्लास क्या करती है बेटिकली, बेसिकली बेटा ये CSS की क्लास है जो आपकी बिट्स और ये सारी चीजों को मतलब जो है ना वो डिफाइन करती है। नजर आ रहा है जी, अब आपके पास मैंने क्या किया, ये देखिए ये मैंने एट की कर दी, ये टू टू की कर दी, क्योंकि ये दो छोटे कॉलम बन गए और ये एक जरा बूटस्ट्रैप के अंदर बस आप बेसिकली इसके अंदर वाली चीजों को ना एक्सप्लोर करें तो भी काम चल जाएगा। मीन आपको पता होना चाहिए कि कॉल MD की क्लास है, अगर मैं कोई भी क्लास इस तरह की यूज कर रहा हूँ तो उसका एडअप क्या होना चाहिए जी, 12 होना चाहिए। जैसे मैंने 8 2 और 2 के बना लिया तो इसका मतलब है कि जी तीन कॉलम मेरे पास बन गए, ठीक है जी। लेट्स ऑल जी,
जी ये सारी, ये बेसिकली बिल्ट इन नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की है, यानी बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है वो इसमें ऑलरेडी मैंने इंक्लूड करवा दी हुई है, ठीक है। तो ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, ठीक है, कोई बिल्ट इन एमवीसी की क्लासेस नहीं है ये, ठीक हो गया जी। ओके सो स्टूडेंट्स, मतलब थोड़ी सी कस्टमाइजेशन के साथ थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करके आप बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी आपके सामने वो उसको खत्म कर दिया ऊपर वाले हिस्से को, ये कॉल एंट्री यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंपली एचटीएमएल के थ्रू जो है ना चीजें सिर्फ लिखी हुई है और उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में दिया गया है। आपको जो है ना मतलब वरी होने की जरूरत नहीं होती कि जी मैं इसको सेंटर में करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये सारी चीजें, मतलब बड़ी नाइस नीट क्लीन वे के साथ आप सारी चीजें कर सकते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और आज के लेक्चर की तरफ, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप बड़ी थोड़ी चीजें लिखेंगे और आपके सामने चीजें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने बस सोचना है कि जी आपने करना क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इमेजिन करें कि किस तरह का सिचुएशन है कि मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मैं दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी टीचर्स के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर दूँ जिसमें टीचर्स की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुआ करें, और एक और मैं काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी स्टूडेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और डिपार्टमेंट के लिए भी, तीन चीज़ें मैं ऐड करूँगा। तो इनिशियली मैं टीचर और डिपार्टमेंट का सिर्फ ऐड करता हूँ, स्टूडेंट का मैं उसके बाद ऐड करता हूँ या स्टूडेंट का आपको, ठीक है जी। अब सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जी टीचर के एट्रीब्यूट कौन सा, सिर्फ उनका पता होना चाहिए जो कि आप रखना चाहते हैं, यानी टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रखनी है और डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रखनी। सो करना आपने ये है कि जी एक मॉडल फोल्डर में जाना है, वहां पे आपने राइट क्लिक करनी है, आपने लिख देना ऐड कर देनी है जी एक क्लास, ठीक है जी। इस क्लास को आप नाम दे दें जी टीचर का या डिपार्टमेंट का नाम दे दें, डिपार्टमेंट डॉट सी एस जी, ठीक है जी। ये आपके सामने क्लास आ गई, इस क्लास के अंदर स्टूडेंट मैं चीजें लिख देता हूं। सबसे पहली स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी आमतौर पे मैं लिखता हूं जी आईडी की प्रॉपर्टी, जो आईडी की प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा इसका मतलब है कि दैट इज ए टीचर आईडी। एमवीसी का ये रूल है वो कहता है कि जी या तो आप किसी एक कॉलम ऐसा ऐड करें, एक हर क्लास में कोई ऐसा एट्रीब्यूट ऐड करें जिसका नाम आईडी हो या जिसके नाम के अंदर आईडी आता हो, ठीक है। तो एमवीसी खुद का खुद समझ लेगा कि ये एक ऐसा कॉलम है जो कि आइडेंटिटी कॉलम है, जो कि की कॉलम है, जो कि प्राइमरी की, ठीक है जी। लेकिन अगर आप नाम के अंदर आईडी ना लिखें तो फिर आपको खुद से बताना पड़ेगा आईडी है, लेकिन मैं आईडी ही लिख देता हूं ताकि एमवीसी खुद से क्या करे जी इसको समझे कि ये एक आईडी है। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं जी स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, फिर यहां पे मैं लिखता हूं जी स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ले जी, बस इतना सा ही काम जी। डिस्क्रिप्शन में क्या आना था जी, अब ठीक है जी, अच्छा अब ठीक है जी, ठीक हो। एक और क्लास मैं क्रिएट कर रहा हूं मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूं जी यहां पे एड क्लास, और इस क्लास को मैं कह देता हूं जी डेट इज ए टीचर क्लास, इसको भी मैं पहला जो ऐड देता हूं जी वो मैं आईडी ही देता हूं इंट आईडी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं देता हूं जी स्ट्रिंग नेम
ड्रिंक फादर नेम कह दूं, और उसके बाद मैं कह देता हूं जी स्ट्रिंग ईमेल, और उसके बाद मैं लिख देता हूं जी डेसिमल सैलरी, ठीक है। आप ठीक है जी, ओके। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक मैटर आ गया जिसको हमें ड्रॉप करना है, वो ये है क्योंकि आमतौर पे होता ही है, ये टीचर का एक टेबल बन गया और ये क्या बन गया जी मेरे पास डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स जो टेक्निक मैं यूज करने जा रहा हूँ उस टेक्निक को कहते हैं जी कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि मैं एमवीसी में कुछ क्लासेस लिख देता हूँ। एमवीसी क्या करता है जी, उन क्लासेस के लिए डेटाबेस खुद से क्रिएट करता है, ठीक है, और फिर उस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर देता है, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे दो क्लासेस क्रिएट कर रहा हूँ, एक टीचर की और एक डिपार्टमेंट की। तो एमवीसी क्या करेगा जी, एक टीचर का मतलब बना देगा डेटाबेस में, एक टीचर का टेबल बना देगा और एक ही डिपार्टमेंट का टेबल बना देगा। लेकिन आपको पता है कि टीचर और जो आपके पास डिपार्टमेंट का टेबल है इसमें रिलेशनशिप भी होता है। रिलेशनशिप कौन सा होता है, वन टू मैनी, मैनी किस साइड पे होता है, मैनी किस साइड पे होता है, एक ये है ये डिपार्टमेंट और ये एक डिपार्टमेंट मल्टीपल टीचर्स, ऐसा ही होता है, और एक टीचर एक ही डिपार्टमेंट, यानी कोई एक टीचर किसी एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि मैनी वाली साइड कौन सी है, टीचर वाली जो साइड है वो मैनी वाली साइड, ठीक है। अब आपने करना क्या है, मैनी वाली साइड का एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसकी लिस्ट बनानी है, और सॉरी मैनी वाली साइड शायद जो है ना दोबारा बता दूंगा, आपने करना ये है इस क्लास की एक लिस्ट बनानी है और किधर रख देनी है डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि मैनी ये है तो इनकी क्या बनेंगे जी लिस्ट बने, बात समझ आ गई जी। सो मैं ये करता हूँ डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर पब्लिकली एक लिस्ट बना के रख देता हूं किस टाइप की जी, टीचर टाइप की, मैं इसको कहता हूं जी टीचर्स, और यहां पे रख देता हूं जी गेट और सेट, गेट ऑफ, बात समझ आ गई। यानी जिस चीज का मैनी रिलेशन क्रिएट कर रहा है उस चीज की एक लिस्ट बना के आपने रख देनी है किस टाइप पे, वन वाली साइड, ठीक है। जैसे मैनी क्या है टीचर्स, तो उनकी मैंने क्या बना दी लिस्ट बना दी, और उसको रख कहां पे देना है जी डिपार्टमेंट, दैट्स ऑल। इससे क्या हो गया जी, मेरे एमवीसी को पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है जी, वन टू मैनी का, बात इतना तरीका, ये थोड़ा सा पूछने वाला था, बात समझ आ गई। और अगर आपने वन टू वन का रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो फिर ये करें कि चाहे तो टीचर का एक ऑब्जेक्ट इधर रख दें, चाहे इसका एक ऑब्जेक्ट इधर रख दें, लेकिन होना ये चाहिए कि टीचर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट आप इधर रख दें। लाइक यहाँ पे आप लिस्ट ना बनाए बल्कि एक ऑब्जेक्ट बना दें, लाइक यहाँ पे आप देख दें पब्लिक टीचर टीचर, यानी एक लिस्ट ना बनाए बल्कि कोई एक ऑब्जेक्ट बनाए, दैट्स ऑल। तो वो फिर वन टू वन का होगा, वन टू वन में, ठीक है। अब ये जो है ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप मैंने बनाया, यानी अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूं तो वो वन टू मैनी का हो गया, और अगर मैं ये लिस्ट ना बनाऊं बल्कि ये कर दूं, बस ये कर दूं, तो ये है वन टू वन का रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप डेटा बेसिस में होता ही नहीं,
डेटाबेसिस आपके सपोर्ट ही नहीं करते, यानी रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं होती जो मैनी टू मैनी हो। आपको याद होगा आपने डेटाबेस जब पढ़ा था तो मैनी टू मैनी को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू वन टू मैनी, दो वन टू मैनी के रिलेशनशिप में आते हैं, नया में एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाते हैं, एसोसिएटिव नया एक टेबल बनाते थे, ठीक है जी। सो ओके, बात समझ आ गई जी। अब आपने क्या बना लिया जी, मॉडल क्लास बना ली है। अब आपने क्या करना है जी, ये दो मॉडल क्लासेस तो आपने बना ली, अब तीसरा काम आपने ये करना है कि जी इन क्लासेस के लिए डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, माजी में डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होती थी लेकिन अब यहाँ, सॉरी माजी में डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास होती थी लेकिन यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी आपने पहले लिंक टू सीक्वल यूज की थी, लिंक टू सीक्वल टेक्नोलॉजी बेसिकली एक प्री मैच्योर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। उसी टेक्नोलॉजी को इन्होंने आगे एक्सटेंड किया और इन्होंने बना दिया जी एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। और अब हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का नाम है जी एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है जी। और ये उसी लिंक टू सीक्वल को ही थोड़ा सा मैच्योर करके बनाई गई है, ठीक है जी। ओके, उसके लिए स्टूडेंट्स आप मॉडल्स पर राइट क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पे एक न्यू आइटम पे जाएं, यहाँ पे आप डाटा पे चले जाइएगा, यहाँ पे edu.net एंटिटी मॉडल्स पे चले जाइएगा और यहाँ पे इसको आप नाम रख दें जी USDB। मैंने नाम रख दिया जी USDB। क्या चीज़ें सेलेक्ट की हैं जी, नज़र आ रहा है जी आप लोगों को, edu.net डेटा मॉडल इसको मैंने सेलेक्ट किया है जी, ऐड किया। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया जी, लिखा हुआ जी कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस, नजर आ रहा है जी कोड फर्स्ट फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, कनेक्शन क्रिएट करना है, मुझे अपना बताना है कि मैं किस डेटाबेस के अंदर काम करना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने एक डेटाबेस बनाया था, वही पुराना काम, मैं यहाँ पे सर्वर का नाम कॉपी करूंगा, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, पेस्ट कर दूंगा, नजर आ रहा है जी। और यहाँ से मैं फिर क्या करूंगा जी, डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा जी, चूंकि मैंने USDB के नाम से बनाया था डेटाबेस तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ जी, सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इतना सा काम करने से बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ आ गई जी। ये देखें जी, USDB के नाम से मेरे पास एक डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बन गई। ये तीन चीजें, डिपार्टमेंट की क्लास आपने खुद लिखी, टीचर की क्लास आपने खुद लिखी और USDB की क्लास आपने खुद से जनरेट करवाई, ठीक है जी। यहां पे स्टूडेंट्स आपने ये करना है, यहां पे आप आपने दो लाइनें सिर्फ और ऐड करनी, वो है जी डीबी सेट। एक आप लिखेंगे जी फॉर द टीचर, इसको भी आप नाम दे दें जी टीचर्स गेट और सेट, फिर यहां पे लिख दें जी डीबी सेट डिपार्टमेंट और यहां पे लिख दें जी डिपार्टमेंट, डेट्स ऑल जी। बस इतना सा ही काम था जो कि आपने करना, ठीक है जी। एक दफा अपने सिस्टम को रीबिल्ड कर लें, प्रोग्राम को रीबिल्ड कर लें, इसके बाद मैजिक स्टार्ट। ठीक है जी, अब मैजिक में ये है जी कि आप कंट्रोलर में जाएं,
अब स्टूडेंट्स अब तक जो हमने काम किया ना, इस काम में ये है कि हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है, गौर से सुनने अभी तक, और ये डिफाइन कर लिया है कि जी डेटाबेस के टेबल के रिलेशनशिप क्या होंगे। इसके अलावा हमने एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास भी क्रिएट कर लिया। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बेसिकली डेट इज ए क्लास जो कि डाटा एक्सेस लेयर के तौर पे काम करेगी। डाटा एक्सेस लेयर का तो पता है, उसका काम ही होता है डाटा लेना है और डाटा देना, दैट्स ऑल। ठीक है जी, मैं कंट्रोलर पे जा रहा हूँ, यहां से आप देखते जाइएगा, असल काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोलर पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कंट्रोलर है जिसका नाम है जी, पहले तो आप एम्प्टी कंट्रोलर लेते थे लेकिन अब आप एक तीसरा कंट्रोलर ले रहे हैं जी, एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, इस पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो मुझसे पूछता है जी मॉडल क्लास कौन सी है, मैं मॉडल क्लास बताता हूँ जी कौन सी है जी, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और फिर मैं उसे डाटा कंटेक्स्ट क्लास क्या बताता हूँ जी, यूएसडीबी, और मैं उसे कहता हूं कि आपने लेआउट को यूज करना है, और ऐड कर देता हूं। सो अब मैजिक हो रहा है, इट्स अ मैजिक। देखें जी कंट्रोलर बन गया, इस कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट्स इंडेक्स का मेथड बना हुआ है, डिटेल का मेथड बना हुआ है, क्रिएट का मेथड ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है जी, एडिट का मेथड बना हुआ है, डिलीट का मेथड बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। मतलब कि जी आपके डिपार्टमेंट के क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, अपडेट करना, सारा कुछ बना हुआ। ठीक है जी, इसी तरह से मैं क्या करता हूं जी, यहां पे ऐड कर लेता हूं एक और कंट्रोलर, लेकिन अब मैं कंट्रोलर किसके लिए ऐड करना चाहूंगा जी, टीचर के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था, टीचर डाटा कंटेक्स्ट क्लास का नाम वही है, यानी उसने कंट्रोलर भी लिख दिए, कंट्रोलर के अंदर एक्शन भी लिख दिए और उन एक्शंस के लिए व्यूज भी बना दिए, डेटाबेस भी बना दी, डाटा एक्सेस लेयर भी बना दी, प्रोजेक्ट रेडी। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी। ले जी, अब सिर्फ करना ये है कि जी मैं जो मेरा लेआउट है ना उस पे जाके मैं लिंक लगा देता हूँ। ठीक है जी, पहला लिंक लगा देता हूँ जी टीचर्स के नाम से। ठीक है, कंट्रोलर का नाम क्या है जी मेरे पास, टीचर्स, तो मैं इसका नाम जरा कॉपी कर लेता हूँ, आई एम नॉट गुड इन राइटिंग। मैं अगर लिंक लगाना चाहूँ मेन मेन्यू में, कोई बताएगा कैसे लगाऊंगा एक्शन लिंक कैसे लगाऊंगा जी? मेन मेन्यू में मैं एक और एक्शन लिंक लगा रहा हूं होम के साथ, जी HTML.ActionLink, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं जी, टीचर्स, और यहां पे मैंने क्या करना है जी, नाम लिखना है जी इंडेक्स, यानी टीचर के कंट्रोलर के अंदर, और यहां पे मैं कंट्रोलर का नेम क्या लिखता हूं जी, टीचर्स। मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं कि टीचर्स के कंट्रोलर में इंडेक्स का मेथड क्या करोगे, जब किससे क्लिक किया जाए। ठीक है जी, इसी तरह से एक लिंक मैं बना देता हूं जी किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए, HTML.ActionLink डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, और इसमें भी मैं कहता हूं जी इंडेक्स, और फिर मैं कहता हूं कि जी आपने क्या करना है जी डिपार्टमेंट्स को, चूंकि डिपार्टमेंट्स के स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, डी ई पी ए आर टी एम ई एन टी एस, डिपार्टमेंट, और कीप इन माइंड डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट सेकंड डॉलर का नेम, तो इसलिए मुझे भी डिपार्टमेंट्स ही लिखना होगा। ठीक है जी, ले जी स्टार्ट करते हैं जी। डिपार्टमेंट
भाई एक मिनट, एरर चेक तो कर लें किधर आया। ठीक है, वो कह रहा जी डीबी सेट तो मैंने खुद बना दिया, तुम खुद क्यों बना रहे हो भाई? ये लो, ठीक है। मतलब उसने टीचर तो डिपार्टमेंट्स के लिए ऑलरेडी बनाए हुए थे डीबी सेट, तो मैंने भी बना दिए थे, तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने कमेंट कर दिया है, वो भी नहीं कर रहा। क्या मतलब कॉफी चाय जूस पी लें जल्दी से, एक एक सिप लेते जाएं आप। एमबीसी में काम करने के लिए आप ज़रूर जो है ना अपने पास कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि जब भी आप साइट को रन करेंगे तो ये देर लेगी, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये स्कैफोल्डिंग करेंगे तब भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ले जी हो गया जी, मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट्स में जाना चाहूँगा जी, डिपार्टमेंट्स। ले जी डिपार्टमेंट्स के अंदर आ गया जी, नजर आ रहा है जी। अब यहाँ पे चूंकि डिपार्टमेंट कोई नहीं है इसलिए उसने इसको खाली छोड़ दिया। क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन दे रहा है जी, मैं क्रिएट करता हूँ तो वो मुझसे पूछ रहा है डिपार्टमेंट नेम क्या है, मैं कहता हूँ जी सीएस या कंप्यूटर साइंस, डिस्क्रिप्शन देता हूँ जी इट्स गुड डिपार्टमेंट, क्रिएट करता हूं जी, तो क्रिएट हो गया। हाँ जी पहले से सारा कुछ ही पहले से बना, आपने कौन सा खुद किया फिर? एक और क्रिएट कर देता हूं जी, डिपार्टमेंट है जी मैथमेटिक्स अंडर द यूएस लॉ हॉ, क्रिएट कर दिया। अब यहां पे देखें दो डिपार्टमेंट्स हैं। अब मजे की बात यह है कि हर डिपार्टमेंट के साथ यहां पे एडिट की ऑप्शन आ रही है, डिलीट की ऑप्शन भी आ रही है और ये काम भी करती है, ठीक है जी। आप एडिट करना चाहें आप एडिट कर सकते हैं, ये देखें मैथमेटिक्स ऑनली, ये देखें जी सेव भी हो गया, ठीक है। और आप जाके डेटाबेस में देखें, तो डेटाबेस में जाके डेटाबेस में ये देखें टेबल्स बन गए हैं, नज़र आ रहे हैं जी ये डेटाबेस के टेबल्स, ठीक है। और इन टेबल्स में जाके देखें डाटा भी आ चुका है जो मैं अभी वेबसाइट्स के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है जी। इसका मतलब है कि उसने डाटाबेस भी बना दी, उन डाटाबेस के लिए टेबल भी बना दिए और उनमें सारी चीज़ें भी कर दी। ओके अब दूसरी चीज़ें जाके टेस्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट, ये टीचर्स में थे। ये लें जी, अभी इनिशियली मेरे पास सिर्फ कॉलम नेम है, सैलरी ईमेल फादर नेम ये सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि अभी कोई डाटा में डाटाबेस है नहीं तो वो एम्प्टी शो कर रहा है। क्रिएट न्यू और ये देखें जी नेम। अब यहाँ पे देखें वेरी नाइस नीट क्लीन इंटरफेस, नेम टीचर ईमेल सैलरी ये सारी चीज़ें वो आपको दे रहा है। और एमवीसी इज सो इंटेलिजेंट कि जी उसे पता है कि जी जो आईडी है वो ऑटो जनरेटेड होती है, इसलिए इसने दी ही नहीं, उसे पता है कि आईडी मुझे खुद से देनी है, ये वो आईडी है, ठीक है। और यूजर को आईडी का नहीं पता होता कि आईडी क्या है, वो तो जब नया बंदा ऐड करेंगे तो उसकी आईडी खुद से खुद जनरेट होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके
नेम मैं लिख देता हूँ जी इमरान, फादर नेम है जी खलील, ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया, सैलरी मैंने लिख दी, ये ले जी सैलरी जरा गलती से लिखी गई थी, मैं पूरी कर देता हूँ ये रहे। जी ईमेल ना दे तो क्या होगा? हाँ जी फिर भी क्रिएट होगा, अभी तो आप कुछ भी ना दे तब भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब नेम लिखें जी, और कौन टीचर बना जाता है जी? जी ये ले, मैंने क्रिएट कर दिया। नहीं यार वो चूंकि मैंने पहले कहीं लिखी थी ना, तो ये तो ब्राउजर का होता है ना, इसका उसमें कोई ताल्लुक नहीं। वो कह रहा है कि सैलरी लिखना लाजमी है, रिक्वायर्ड है, ये मुझे भी नहीं समझ आई अभी तक। लेकिन ये है कि जी जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। ठीक है जी, हाँ लेकिन नो आइडिया कि इसने उसको कर ले। आई थिंक एमवीसी के अंदर ये रूल होगा कि डेसिमल को ये ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब ये रिक्वायर्ड रख लेता होगा। ठीक है जी, मैं इसको कहता हूँ जी फाहद अली, ई मेल एड्रेस है जी fahad@us.lahore। बेटा ये पहले से ब्राउजर का फंक्शन है, इसका एमवीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, एमवीसी से रेलिवेंट पूछ रहे यार। ठीक है जी, तो ये देखिए दो तीन मेरे पास आ गए हैं जी चीजें जी। अब कौन से कॉलम रिक्वायर्ड है कौन से नहीं रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास से ये देखें जी टीचर्स हैं, टीचर में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखते चले जाएं रिक्वायर्ड, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा जी, एक हेडर फाइल में लिखना पड़ेगा, याद है जी क्या लिखते थे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशंस। अब मैं यहां पे लिखता हूं जी रिक्वायर्ड। आप स्टूडेंट से समटाइम ऐसा हुआ करेगा कि मेरे आईडी का नेम आईडी नहीं हुआ करेगा, उसे पहचानना पड़ेगा, या वो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि जी मुझे पता ही नहीं है कि आपने प्राइमरी की किसको रखा है, तो फिर आपको किसी एक को प्राइमरी की इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैंने आईडी इसका नाम रखा था तो इसलिए उसने पता है कि जी ये एक आईडी है। ठीक है जी, इसी तरह से स्टूडेंट से नेम जी नहीं नहीं ऊपर नीचे नहीं ऊपर लिखना उसको भी ये रिक्वायर्ड नेम के लिए है। अब जैसे फादर नेम है इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखता, मैं ईमेल को रिक्वायर्ड रखता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ये भी कह दूँ कि ये एक ईमेल एड्रेस है, ताकि अगर मैं इसमें कुछ एम ए वैल्यूज लिखूँ तो वो कह के जी ये तो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं अभी तो सैलरी में कुछ भी लिख देता तो उसने एक्सेप्ट कर लेना था, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि सैलरी की रेंज लिख लो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी रेंज, रेंज के अंदर मैं उसे बता देता हूँ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मैं कहता हूँ जी कि एटलीस्ट एक टीचर की तनख्वाह 20,000 तो होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने स्टार्टिंग वैल्यू लिख दी, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि जी 2,00,000 या चलें 5,00,000 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ठीक है जी, 5,00,000 हो गए बस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसके दरमियान दरमियान आपने रेंज लेनी है, तो वो अब वो क्या करेगा जी, इसके दरमियान दरमियान रेंज लिखेगा, प्लस मैं इसको कह देता हूँ रिक्वायर्ड, जो कि पहले से ही इसने इसको रिक्वायर्ड रखा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं आप कह सकते। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा अभी। ठीक है कि जी बाय डिफॉल्ट, लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस वर्जन थे एमवीसी के उनमें बाय डिफॉल्ट डेसिमल को वो रिक्वायर्ड नहीं रखता था, लेकिन अब शायद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जी एमवीसी में थोड़ी सी चीज़ें मैजिकल भी हैं, मैजिकल से मुराद ये कि ये कन्वेंशन यूज करता है। अब कन्वेंशन ये हैं कि जी मैंने आईडी का रख दिया तो उसे पता है कि जी ये प्राइमरी की है, इवन मैंने सिर्फ नाम ही रखा था बताया नहीं था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट समझ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ डेसिमल बताया, तो बाय डिफॉल्ट शायद इसमें आप ये भी कन्वेंशन रख दी गई है कि जी ये मतलब उसको
वो जो डेसिमल फील्ड्स होंगी वो रिक्वायर्ड ही हुआ करेंगे। ठीक है जी, अब स्टूडेंट में जाके दोबारा से टीचर्स को फिल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि जो मेरे बात इन्हें आप कहाँ तक आप स्टूडेंट्स एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि जी आपने डेटाबेस को क्रिएट तो किया है लेकिन आप जो है ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट टाइम मैंने डेटाबेस का स्ट्रक्चर आप बना लिया हुआ है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके लिए स्टूडेंट्स डेटा एमवीसी का एक छोटा सा कोड होता है जो कि आपको लिखना पड़ता है कि जब भी आपका नया प्रोग्राम रन हो तो डेटाबेस जो पहले वाली क्रिएट हुई है उसका डेटा बचाओ और नया क्रिएट कर लो अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर दूं। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली मुझे कोड याद नहीं है। ठीक है, वो कोई इसके स्टार्टअप के अंदर जाके ना वो करना पड़ता है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई विल गिव यू ए मतलब आपको कोई एक ना मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो एक आर्टिकल दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो वहाँ पे जो है ना ये जो मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स होती हैं, हाँ वो डाटा यानी वो माइग्रेशन के वाले से चीज़ें जो है ना मैं वो ऐड करता होता हूँ डी बी कॉन्टेक्स्ट क्लास में यहाँ पे। ठीक है जी, कि जी यहाँ पे चीज़ें अगर मैं अपनी चीज़ों को मतलब माइग्रेट करूँ तो आप जो है ना उसको इस हिसाब से जो है ना कर लो। ठीक है, लेकिन वो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो हम छोटा सा जुगाड़ लगा लेते हैं। जुगाड़ ये है कि जी मैं डाटा बेस के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं उन सबको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, उसे ये होगा कि जी मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी बना होगा, वो डेटाबेस को मतलब डिलीट कर देगा पहले वाले को। अब ये तब तक डिलीट नहीं करेगा जब तक मेरे पास से वो इन्फॉर्मेशन वो नहीं हो जाती है। जब तक ये खाली नहीं हो जाता, नहीं वो कह रहा है कि जी डिपार्टमेंट्स के साथ पहले आप टीचर्स को चेंज कर लें। टीचर्स को मैंने चेंज कर लिया, अब मैं डिपार्टमेंट्स को भी चेंज कर सकता हूँ। ये ठीक है जी, तो मैंने डेटाबेस को दोबारा से कर दिया एम्प्टी। अब जो है ना वो मुझे क्या करेगा जी, दोबारा से वो डेटाबेस क्रिएट करेगा और मुझे एरर नहीं देगा। लेकिन आप एक वो छोटी सी लाइन ऑफ कोड है जो कि अगर आप लिख दें तो वो फिर जो है ना डेटाबेस जो पहले से बना होता है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करता है और दोबारा से क्रिएट कर देता है। वो अभी मुझे पीस ऑफ कोड याद नहीं है, ना ही आपको भी याद रखने की ज़रूरत है, वो जब ज़रूरत पड़े उसको एज इट इज़ यूज़ करना। जी अब स्टूडेंट मेरे पास वो पेज तो क्रिएट हो गया है लेकिन अब आपको नज़र नहीं आ रहा।